हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व। तो आज हम लोग इसमें संक्रमण तत्वों के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके बारे में याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है K2Cr2O7। इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है किस प्रकार से बनाया जाता है, आज इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके बनाने की विधि, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट निम्न प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है क्रोमाइट अयस्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी कि इससे जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए कई बार पेपर में आ चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है निम्न प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क को जो है पीस कर उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट और बिना बुझा चूना मिलाकर जो है मिश्रण को वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। इसके बाद भर्जित द्रव्य में जल मिलाकर जो है मिश्रण को फिल्टर करने पर सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है और अविलेय फेरिक ऑक्साइड जो है वो शेष रह जाता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको समीकरण लिखने के लिए आपको ये थ्योरी जो है यहाँ पर याद होनी चाहिए। अगर थ्योरी याद रहेगी तो आपको यहाँ पर समीकरण लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, बताया गया था क्रोमाइट अयस्क, तो क्रोमाइट अयस्क के लिए ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है FeCr2O4। इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमाइट अयस्क। तो ये यहाँ पर हो गया क्रोमाइट अयस्क। इसके बाद बताया गया पीस कर उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है Na2CO3। तो ये हो जाएगा निर्जल सोडियम कार्बोनेट और बिना बुझा चूना जो है मिलाकर मिश्रण को वायु की उपस्थिति में यानी कि जो मिश्रण है यहाँ पर इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में यानी कि O2 इसकी उपस्थिति में जो है यहाँ पर इसे परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। इसके बाद जो है भर्जित द्रव्य में जल मिलाकर जो है मिश्रण को फिल्टर करने पर जो है सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिल्टर करने पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम क्रोमेट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसे हम लोग फिल्टर करेंगे तो इसमें प्राप्त होगा सोडियम क्रोमेट यानी कि सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। इससे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, ये प्राप्त होगा। इसके अलावा इसमें जो है अविलेय फेरिक ऑक्साइड शेष रह जाता है। अविलेय फेरिक ऑक्साइड यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे Fe2O3 और इसके अलावा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका समीकरण लिखेंगे। ध्यान दीजिए, अब आप इस समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर Fe2 दिए गए हैं, यहाँ पर 1 है, तो इससे बराबर करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 × 2 = 4 यहाँ पर हो गए और 4 यहाँ पर हो गए इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए, क्रोमियम Cr 4 × 2 = 8 हो गए और यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना दिया गया, 1। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर आप 8 से गुणा कर दीजिए, तो Cr इधर भी 8 हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, सोडियम यहाँ पर 8 × 2 = 16 हो गए और यहाँ पर 2 दिए गए, यहाँ पर भी 8 से गुणा कर दीजिए तो 8 × 2 = 16 हो जाएंगे इस प्रकार से। इसके अलावा कार्बन ध्यान दीजिए, इधर कितने हो गए, 8, यहाँ पर कितना दिया गया, 1, तो यहाँ पर भी 8 से गुणा कर दीजिए तो कार्बन भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 8। तो अब आप इसमें आप चेक कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ के संतुलित हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये समीकरण लिखना है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये है आपका क्रोमाइट, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें क्रोमाइट, ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बना है, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, इसे बोला जाता है सोडियम क्रोमेट इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आगे, अब इसमें बताया गया है कि प्राप्त सोडियम क्रोमेट यानी कि जो सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ है उसमें जो है सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, जिससे सोडियम क्रोमेट जो है सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अब सोडियम क्रोमेट जो प्राप्त हुआ है यानी कि Na2CrO4,
तो ये हो गया सोडियम क्रोमेट। इसमें आपको मिलाना है सांद्र H2SO4, यानी कि प्लस H2SO4। जब यहाँ पर H2SO4 मिलाते हैं तो जो सोडियम क्रोमेट होता है वो सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अब बन जाएगा Na2Cr2O7। तो यहाँ पर जो सोडियम क्रोमेट था ये सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो है सोडियम सल्फेट यानी कि NO2SO4 और इसके अलावा प्लस H2O ये यहाँ पर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके बारे में आपको बता दिया गया है सोडियम क्रोमेट, ये यहाँ पर जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये यहाँ पर जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है सोडियम डाई क्रोमेट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सोडियम डाई क्रोमेट। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर लिखा गया आगे कि सोडियम डाई क्रोमेट के गर्म सांद्र विलयन में, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये सोडियम डाई क्रोमेट प्राप्त हुआ था उसी के बारे में आगे बताया गया कि सोडियम डाई क्रोमेट के गर्म सांद्र विलयन में जो है पोटेशियम क्लोराइड का गर्म सांद्र विलयन मिलाते हैं, जिससे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है और उससे अलग कर देते हैं। फिर सांद्र विलयन को ठंडा करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल बनते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट जो कि बना था यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा Na2Cr2O7, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा था विलयन में जो है पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाना है, यानी कि KCl। इस प्रकार से यहाँ पर ये यह हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। तो जब इसमें हम लोग पोटेशियम क्लोराइड का गर्म सांद्र विलयन मिलाते हैं, जिससे यहाँ पर NaCl जो है अवक्षेपित हो जाता है और उससे अलग कर देते हैं, उसके बाद जो है इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल बनते हैं, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा जो है यहाँ पर NaCl ये अवक्षेपित हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इससे आप संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर K2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो यहाँ पर भी K2 हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर Cl भी 2 हो गए, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, तो Cl भी 2 हो गए। सोडियम यहाँ पर 2, और यहाँ पर पहले से सोडियम 2 है, तो ये भी संतुलित हो गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसे भी अगर आप संतुलित करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये H2 और ये हो गया SO4। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर Na2, यहाँ पर Na2 मिलके हो गया 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2 दिए गए हैं, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार से। तो अब इस प्रकार ये समीकरण भी पूरा संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद रखिएगा इससे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर क्रोमाइट डाइस्क से जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसके भौतिक गुण, तो याद रखिएगा इसका जलीय विलयन जो है वो नारंगी लाल होता है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो जलीय विलयन होता है वो नारंगी लाल होता है। इसके अलावा यह ठंडे जल में कम विलेय परंतु गर्म जल में अधिक विलेय होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये ठंडे जल में जो है कम घुलनशील होता है, लेकिन जो गर्म जल होता है उसमें अधिक घुलनशील होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए इसके रासायनिक गुण, तो सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसे गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये गर्म करने पर जो है अपघटित होकर पोटेशियम क्रोमेट व क्रोमिक ऑक्साइड देता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसका समीकरण लिखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 ये हो जाएगा। जब इसे यहाँ पर हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये अपघटित होकर जो है पोटेशियम क्रोमेट यानी कि K2Cr O4 पोटेशियम क्रोमेट, इसके अलावा जो है क्रोमिक ऑक्साइड यानी कि Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये देता है। इसके अलावा इसमें जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रकार से अगर आप इस समीकरण को संतुलित करना चाहें तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर K2, यहाँ पर भी K2 है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए Cr2 और यहाँ पर Cr दिया गया है केवल।
और इसके अलावा यहाँ पर भी Cr2 दिया गया है, तो इसे बराबर करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए। जब आप यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Cr अब कितने हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, तो 4 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 6। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए इससे बराबर करने के लिए अब 2 यहाँ पर भी गुणा करिए, तो 2 दूनी 4 अब यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, टोटल 8। अब यहाँ पर 8 करने के लिए आप इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 Cr यहाँ पर भी हो गए। इसके अलावा K2 दिया था, 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 पोटेशियम भी हो जाएंगे, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 पोटेशियम हो जाएंगे। इसके अलावा अब ऑक्सीजन ध्यान दीजिए यहाँ पर दिए गए हैं 4 सत्ती 28 ऑक्सीजन, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 चौक 16 ये हो जाएंगे, इसके अलावा 2 तेई 6 ये हो जाएंगे, तो यहाँ पर अभी कम है, तो इससे बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो गया 3 दूनी 6 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हो गए 12, और इसके अलावा 4 चौक 16 ये, तो 16 और 12 मिलकर 28 ऑक्सीजन इधर हो गए और 4 सत्ते 28 ऑक्सीजन इधर हो गए। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को यहाँ पर संतुलित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए HCl से क्रिया यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, तो ध्यान दीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, जब इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर HCl से कराएंगे, तो HCl से कराने पर याद रखिए कि इसमें क्लोरीन प्राप्त होती है, क्लोरीन प्राप्त होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, इसके अलावा ध्यान दीजिए Cr Cl3+H2O, और इसके अलावा इसमें क्लोरीन गैस यानी कि Cl2। तो ये याद रखिएगा, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया जो है HCl से कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर KCl है, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। अगर इससे आप यहाँ पर संतुलित करना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिए गए हैं 2 इस प्रकार से, और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन दिया गया है 1, लेकिन ऑक्सीजन ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए 7 से गुणा कर दीजिए। तो अब ऑक्सीजन तो 7 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन ध्यान दीजिए 7 दूनी 14 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर करने के लिए इसमें 14 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार से। तो जब 14 से यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर Cl कितने हो गए, 14, और इधर ध्यान दीजिए Cl कितने दिए गए, 3 ये, 2 ये, 5 और 1 ये दिया गया है 6। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले तो इसमें आप 2 से गुणा करिए, क्योंकि K2 इधर दिया गया था, यहाँ पर K दिया था, तो अब यहाँ पर क्लोरीन हो गए 2 3 5 और 2 7, अभी भी कम है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आप गुणा कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पर अब हो जाएंगे 2 तेई 6, और इसके अलावा 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो अब ये हो जाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 यानी कि 12, और 2 ये 14, यहाँ पर भी 14 Cl दिए गए। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को भी संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए क्षार से क्रिया, तो इसके बारे में याद रखिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके जलीय विलयन में जो है क्षार मिला देने पर यह पीला हो जाता है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है यानी कि K2Cr2O7, इसकी क्रिया आपको यहाँ पर करानी है क्षार, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा पोटेशियम क्रोमेट यानी कि K2Cr O4 और प्लस इसके अलावा H2O। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो कलर होता है वो होता है नारंगी, जब यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग क्षार से करा देते हैं तो इसका कलर जो हो जाता है वो पीला हो जाता है, याद रखिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट और इससे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसके जलीय विलयन में यहाँ पर हम लोग क्षार मिला देंगे, तो क्षार मिला देने पर इसका कलर जो होता है वो पीला हो जाता है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और अगर इसे यहाँ पर हम लोग संतुलित करें, तो संतुलित करने के लिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है K2, यहाँ पर भी दिया गया है K2, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि K दिया गया है और यहाँ पर हो गए 3, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो इधर हो गए 4 के, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी हो जाएंगे 4। तो इस प्रकार ये पूरा समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। इसके बाद है AgNO3 से क्रिया, AgNO3 इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, यानी कि जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, तो ध्यान दीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, इसकी क्रिया करानी है आपको सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 से, तो जब इससे क्रिया कराते हैं तो बनता है सिल्वर डाइक्रोमेट यानी कि Ag2Cr2O7, इसे बोलते हैं सिल्वर डाइक्रोमेट, इसके अलावा यहाँ पर बनेगा KNO3। इस प्रकार से अगर इसे हम लोग संतुलित करें, तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर Ag2 है, यहाँ पर Ag बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए,
इसके अलावा NO3 ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो तय छः हो गए और यहाँ पर NO3 दिया गया है। इससे बराबर करने के लिए यहाँ पर दो से गुणा कर दीजिए इस प्रकार। तो जब दो से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी दो तय छः हो जाएंगे। इसके अलावा K2 और यहाँ पर भी अब K2 हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर याद रखिएगा, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिख सकते हैं आप यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये बना है इसे बोलते हैं सिल्वर डाइक्रोमेट, सिल्वर डाई क्रोमेट, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जब इससे कराते हैं तो इसमें बनता है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। इसके अलावा H2O और इसके अलावा इसमें क्रोमिक एन हाइड्रोक्साइड यानी कि आप बोल सकते हैं Cr O3। इस प्रकार से इससे अगर यहाँ पर आपको संतुलित करना है तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया Cr और यहाँ पर Cr2, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, बस ये यहाँ पर जो है पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसमें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके ठंडे एवं सांद्र विलयन की क्रिया जो है वो ठंडे एवं सांद्र H2SO4 से कराने पर क्रोमिक एन हाइड्रोक्साइड के लाल क्रिस्टल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।